हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एडू नोट्स। ये हमारा आपके साथ सेकेंड वीडियो है ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग डिटेल नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेंगे, learnnewi.com पर। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, उसके बाद हम उसके सोल्यूशन पढ़ेंगे जो कि वो किस तरीके से अपने सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी ओनर के खुद के रिसोर्सेज हैं इस बिजनेस में। सेकेंडली, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी ओनर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है थ्रू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। अब हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो प्रोड्यूसर के सामने आती है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी प्रेफरेंसेस बताएगा कि वो किस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज करने के लिए तैयार है। फिर फर्म उसी सेम कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार है डिफरेंट प्राइसेस पर, वो ये बता देगी। जहां ये दोनों मीट करेंगे वहीं पे प्राइस का क्या होगा? डिटरमिनेशन होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर को ये सोचना पड़ता है कि वो कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज करे। तो उसे वो प्रोडक्शन टेक्निक चूज करनी होती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा चीपर हो, यानी जो सबसे ज्यादा चीपर हो और उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सके और मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सके। अगर लेबर चीपर है तो वो लेबर इंटेंसिव यूज करेगा, और अगर कैपिटल चीपर है तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर को ये सोचना पड़ता है कि वो गुड्स किसको ध्यान में रख के बना रहा है, क्योंकि वो जो गुड्स बना रहा है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी परचेजिंग पावर होती है। क्यों? क्योंकि फर्म का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो गुड्स भी उन्हीं के लिए होंगे जिनकी परचेजिंग पावर होगी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? पूरी कम्युनिटी के हैं। सेकेंडली, इकोनॉमिक डिसीजन जो सभी लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है। थर्डली, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन एम जो है वो है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्लानिंग मैकेनिज्म से होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सामने आती है वो व्हाट टू प्रोड्यूस की है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी पूरी कंट्री का सर्वे करती है ये जानने के लिए कि पूरी कंट्री में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और लोगों की क्या वॉन्ट्स हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है? जो लोगों ने प्रेफरेंसेस बताई हैं और जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। हाउ टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करना है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज करना है। तो वो मेथड यूज किया जाएगा जिससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, और वो हमें पता है कि वो सिर्फ लेबर इंटेंसिव से पॉसिबल है, कैपिटल इंटेंसिव से नहीं। फॉर होम टू प्रोड्यूस में जब सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकालना होता है तो गुड्स जो है सभी लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, चाहे आपकी परचेजिंग पावर है या नहीं। ये गुड्स क्या है? सभी के लिए होता है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया?
वो जो सबकी जरूरत के अकॉर्डिंग हो, और कैसे प्रोड्यूस किया है, ऐसी टेक्निक यूज करके जिससे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके, और किसके लिए प्रोड्यूस किया गया है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया गया है, चाहे उसकी परचेजिंग पावर है या नहीं। लास्ट हमारी इकोनॉमी जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ वर्क करते हैं, तो बोथ ऑफ देम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके जनरल गाइडेंस में वर्क करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में। इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइस मैकेनिज्म की भी और प्लानिंग प्रोसेस की भी। यानी कि यहाँ पे अगर पब्लिक और प्राइवेट एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद से काम कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो भी प्राइस मैकेनिज्म और प्लानिंग प्रोसेस एक साथ मिलके काम करके निकालेंगे, यानी जॉइंटली सोच के निकालेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम यूजुअली मेन फोकस जो होता है प्लानिंग प्रोसेस का होता है, क्योंकि प्राइवेट का मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर को क्या कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए प्लानिंग प्रोसेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अज्यूमिंग दैट रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड एंड एफिशिएंटली यूज्ड। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उन दो कमोडिटी का या उन दो गुड्स का जो कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की जाती है, और ये अज्यूम किया जाता है कि रिसोर्सेज जो है फुली और एफिशिएंटली क्या है, यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। यानी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, अपने सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सिर्फ दो कमोडिटी बना रहा है। हमने अज्यूम किया है इस टेबल में कि वो दो कमोडिटी जो बना रहा है वो कमोडिटी एक्स है और कमोडिटी वाई। जैसे हम अगर ए वाले पॉइंट पे देखते हैं तो ए वाले में उसने सिर्फ वाई कमोडिटी बनाई है, यानी कि अगर वो वाई कमोडिटी बनाना चाहता है तो उसे एक्स से अपने पूरे रिसोर्सेस क्या करने होंगे, हटाने होंगे। तो उस टाइम एक्स का प्रोडक्शन जो होगा वो 0 होगा और वाई का 50, जैसे कि हमने ग्राफ में ए पॉइंट पे देखा है। अगर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो दोनों की ही कमोडिटीज बनाए तो वो बी सी और डी वाले पॉइंट पे वर्क करेगा। इससे क्या होगा, कुछ क्वांटिटी कमोडिटी एक्स की भी बनेंगी और कुछ वाई की। अब लास्ट में प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो सिर्फ एक्स बनाए और अपने सारे रिसोर्सेज वाई से हटा ले। तो उस टाइम जब प्रोडक्शन हो रहा है वो ई पॉइंट पे, वो एक्स कमोडिटी की 4 यूनिट्स हैं जबकि वाई कमोडिटी की 0 यूनिट्स है। तो यानी अगर उसे कमोडिटी एक्स बनानी है तो उसे वाई से अपने रिसोर्सेस को क्या करना है, हटाना पड़ेगा, और अगर वो कमोडिटी वाई बनाना चाहता है तो उसे अपनी एक्स से सारे रिसोर्सेस क्या करने होंगे, हटाने होंगे। ऐसा उसे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और उसका एफिशिएंटली यूज हमें करना पड़ता है। तो अगर हमें एक कमोडिटी बनानी है तो हमें दूसरे से कुछ रिसोर्सेस हटाने पड़ेंगे, और अगर हमें दूसरी बनानी है तो पहले से हमें रिसोर्सेज हटाने, और अगर हमें दोनों ही बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ रेशियो में दोनों कमोडिटीज में अपने रिसोर्सेज को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, जैसा कि ग्राफ में दिया गया। ग्राफ में आप ये देख सकते हो कि ए वाला जो पॉइंट है इसमें उसने वाई को ही सबसे ज्यादा, यानी वाई मैन्युफैक्चर करना चाहता है, और तो उसने एक्स से क्या कर दिया, सारे रिसोर्सेज हटा दिए। तो उस टाइम एक्स का प्रोडक्शन क्या है, 0, और वाई का 50। फिर वो चाहता है कि दोनों मैन्युफैक्चर हो, तो उसने मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेस को कुछ परसेंटेज में या रेशियो में क्या कर रहा है, दोनों कमोडिटीज में डिवाइड किया। जैसा कि इस ग्राफ में बी से लेकर सी तक, बी से लेकर डी तक दिखाया गया है। फिर लास्ट में उसने क्या सोचा कि मैं
अपने सारे रिसोर्सेस वाई से हटा दूंगा और एक्स पे लगा दूंगा, तो वाई उस टाइम क्या हो गया, 0, और एक्स क्या हो गया, 4, जैसा कि हमें ई में शो हो रहा है। अब हम बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलवेज क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूज होंगे यानी बिना वेस्टेज के, और प्रोड्यूसर सिर्फ दो कमोडिटी ही क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है। अभी हमने जो पीपी कर्व पढ़ा था या देखा था उसमें ये दिखाया गया था कि वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है या कॉनकेव शेप का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो एक कमोडिटी बनाना चाहता है तो उसे दूसरे की कुछ यूनिट क्या करनी होंगी, सेक्रीफाइस करनी होगी। अगर वो कमोडिटी एक्स बनाना चाहता है तो उसे वाई से रिसोर्सेस हटाने पड़ेंगे, और अगर वो वाई बनाना चाहता है तो उसे एक्स से रिसोर्सेस क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। इसीलिए पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड या कॉनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। यानी अगर कमोडिटी एक्स बनानी है तो वाई से रिसोर्सेज हटाएगा, और अगर वाई बनानी है तो एक्स से हटाएगा।